आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी के स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत ही शानदार दो रिपोर्ट निकल कर आई है। ये रिपोर्ट के बाद में तो आपको इन स्टॉक में निवेश के बारे में सोचना ही होगा। तो बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, उनको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सुजलोन एनर्जी में इतनी जो वीकनेस आ रही है उसके पीछे क्या वजह है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा ग्लोबल तो लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय दोनों स्टॉक साथ में ट्रेड करे थे, लेकिन सुजलोन तो 7 रुपये के आसपास रह गए, ये ऊर्जा ग्लोबल 8.5 तक पहुंच गया। तो क्या सुजलोन भी उसको वापस जाके उसको अपने साथ में कवर करेगा, क्या वहां तक पहुंच सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या ये जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करने वाली दोनों कंपनियां, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए? क्योंकि छोटे से पेनी स्टॉक है जिनकी प्राइस अभी 10 रुपये से नीचे है, लेकिन आने वाले समय में ये बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। जो ये रिपोर्ट है यह वही साबित कर रही है। तो अच्छे से इन सब रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय मौका है जब ऐसे स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए जो आने वाले समय में देश का भविष्य होगी। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुजलोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 7.40 पर, यही दिन भर की हाई है, लो है 7 रुपीज का और एंड में 7.05 पर 1.40% डाउन पर क्लोजिंग दिए। तो काफ़ी समय से स्टॉक 7 रुपीज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 1,16,40,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 58,73,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 50.46% है। अगर हम बात करें NSE की तो 4,60,75,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,63,63,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 57.22% है। तो बहुत ही अच्छा आज दोनों एक्सचेंज में कामकाज हुआ, काफ़ी समय के बाद वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम को एनालिस करके तो 1 मंथ पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो रोज से भी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, इसका मतलब यह है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे माल बेचने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, माल जब बेचते हैं तो कोई सामने खरीदार भी तो है, तभी तो माल बिक रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी हो रही है, काफ़ी बड़े फंड हाउस यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और ये जो प्राइस काफ़ी समय से रुकी हुई है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जब उसकी प्राइस रुकी रहती है लेकिन जब बढ़ने लगती है तो लगातार बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्राइडेंट लिमिटेड ले सकते हैं, उसकी 6 रुपये की प्राइस थी, कम से कम 6 महीने तक चली थी, लेकिन जब वो दौड़ने लगा तो रॉकेट की गति से दौड़ा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे निवेश का मौका है जब इसकी प्राइस रुकी हुई है, आगे जाके ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और यहाँ पे जो गिरावट की जो वजह है, इसके पीछे बहुत सारे जो रीज़न है, जैसे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हुई है, लोगों को डाउट है कि यहाँ पे प्रमोटर का जो मामला है पूरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है कि कोई दूसरा बड़ा ग्रुप इसको अगर एक्वायर कर लेगा तो आगे क्या होगा, क्या संभावना बनेगी, क्या कंपनी जिस तरह से इस बार लॉस बताया आगे जाके और भी लॉस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रुकावट हुई है प्राइस के अंदर, लेकिन ओवरऑल जो न्यूज़ है बहुत ही शानदार है। 3.40 इसका 50 रुपये का लो है, 9.45 50 रुपये का हाई है, फिलहाल स्टॉक 7 रुपीज़ के आसपास है। तो जो अपडेट निकल कर आई है बहुत ही शानदार है। जो IEA की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई है कि इंडिया का जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का 290 GW की कैपेसिटी हासिल कर ली है 2021 में और ये ऑल टाइम हाई कैपेसिटी है। तो इतना शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियों ने, यानी एक तरह से एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए। तो ग्रोथ रेट बहुत शानदार निकल के आई है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन का, इन दोनों ने मिलके 290 GW की 2021 में अपनी जो है टोटल कैपेसिटी को पहुँचा दिया वहाँ तक। तो लगातार सोलर जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इससे इन कंपनियों के बल्ले बल्ले होने वाले, क्योंकि लगातार लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है सोलर प्रोजेक्ट की तरफ और साथ में विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट की तरफ। कंपनी का जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ेगा इन कंपनियों का, क्योंकि इंस्टॉलेशन का कामकाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है इसकी प्राइस का कम होना, लगातार प्राइस कम हो रही है सोलर पैनल की और विंड टर्बाइन की। यहाँ पे अगर 2010 की बात करें तो करीब जो प्राइस थी वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस पड़ती थी वो $378 थी, वो अब घट के 2019 में
$68 तक पहुंच चुके हैं। तो आप देख लो कितनी बड़ी गिरावट हुई है। अगर बात करें इनके आंकड़ों की तो करीब सोलर पैनल की प्राइस में 89% की गिरावट आ चुकी है और विंड टर्बाइन के पावर में 70% की गिरावट आ चुकी है। तो लगातार इनकी गिरावट हो रही है, इनकी कॉस्टिंग कम हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ने लगा है, क्योंकि आप देख लो कि ग्लोबल प्राइस लगातार कम हो रही है, इस सेक्टर में अब संभावना बढ़ने लगी है, क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है और उसकी जगह पे अब सोलर प्रोजेक्ट के जो है जितने भी है वो कॉस्ट के मामले में बहुत कम पड़ रहे हैं। यानी अगर आप विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर लो या फिर सोलर पैनल लगा लो तो वो उनकी प्राइस बहुत कम आ रही है, जबकि दूसरी तरह से अगर बिजली का कोई भी आप प्रोजेक्ट लगा दे तो वो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो कॉस्ट कम हो रही है ग्रीन एनर्जी का, यही एक बड़ा जरिया है कि आने वाले समय में बहुत जल्द सारा का सारा कारोबार इस ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है और इसी का ये नतीजा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया उसमें 2050 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी, जिसमें हमने भी साइन किया उस पेरिस एग्रीमेंट में, यानी आने वाले 2050 तक पूरी तरह से जो भी बिजनेस है सारी की सारी ऊर्जा के जो स्रोत है वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में ही कन्वर्ट करने होंगे। तो ये लग रहा है कि उससे पहले भी अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्राइस लगातार कम हो रही है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आया है और जिस वजह से लग रहा है कि ये स्टॉक तेजी से दौड़ेंगे, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस कम हो रही है लगातार, तो लोगों ने भी बिजनेस है अब वो धीरे धीरे विंड टर्बाइन की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में सुजलन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल दोनों की ही बल्ले बल्ले होने वाले। तो इस समय जिनकी प्राइस काफ़ी नीचे आ रही है तो आपको इनमें निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि ये फिलहाल बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहा है। जिस तरह से रिपोर्ट निकल के आ रही है आने वाला समय इसी बिजनेस के ऊपर चलने वाला है, यानी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के ऊपर, क्योंकि आप देख लो 2021 में सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन हुई है और इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ी है रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की। तो इससे अब एक बात समझ में आ रही है कि ये निवेश का आखिरी मौका है, यहाँ से स्टॉक ये तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ये मौका है जब खरीदारी आप कर ले, क्योंकि जब इसकी प्राइस बढ़ने लगी, वैसे आप ये भी देख लो कि बाजार में बड़ा करेक्शन आ चुका है, करीब 4000 पॉइंट का करेक्शन आया है। तो ऐसे में अगर ये 7 रुपीज़ के आसपास स्टॉक मिल रहा है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स जब वापस 61000 तक पहुंचेगा तो इसकी प्राइस भी डेफिनेटली 9 तक जा सकती है। और अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। ऊर्जा ग्लोबल तो कमाल कर रहा है, काफ़ी दिन से लगातार पर सर्किट में चल रहा है, 8.5 तक पहुँच चुका है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो 8.45 पर स्टॉक ओपन हुआ, 8.55 की हाई है, लो 8.40 का, यानी खरीदारी का मौका भी मिला लेकिन फिर अपर सर्किट लग गया, स्टॉक 8.55 क्लोज हो चुका है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले था 53 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 79 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 80 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो सर्किट के बावजूद भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम का जो है काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। 3.49 इसका 52 वीक का लो है, 9.35 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 8.5 के आसपास पहुंच चुका है, तो लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये 52 वीक का नया हाई बना सकता है और ये आपको बहुत तेज़ी से अच्छा रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल ये 9 पे जाने को तैयार है। तो तेज़ी से स्टॉक बढ़ेगा और आपके निवेश को भी बढ़ा देगा, क्योंकि कंपनी सोलर प्रोजेक्ट लगाती है, सोलर रूफटॉप का काम करती है कंपनी और सारे सोलर प्रोजेक्ट बनाती है, हर तरह के इनके पास प्रोडक्ट, सोलर प्रोडक्ट की पूरी इनके पास रेंज है, साथ में इनका सोलर स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा कामकाज है, इंडिया में इनका नाम है, विश्व में भी ये कंपनी टॉप 10 में आती है। तो इतना छोटा पेन स्टॉक है लेकिन कामकाज बहुत अच्छा है, निवेश करना चाहिए। सुजलन एनर्जी बहुत ही शानदार स्टॉक है, क्योंकि एक समय इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी, अभी बिल्कुल आपको 7 रुपये में मिल रहा है, कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, पेन स्टॉक की श्रेणी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये आपके लिए लॉटरी के टिकट हो सकते हैं, लग जाएंगे तो जैकपॉट लगेगा, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, ये सोच के ही छोटा सा निवेश भी कर ले, क्योंकि आने वाला समय भविष्य इन्हीं कंपनियों के नाम पे हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।